चांद की कलाएं, फेजेस ऑफ मून। चांद एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प चीज है। वो हमेशा से ही सपनों का, कविताओं का तथा विज्ञान का विषय रहा है। दोस्तों, आपने अभी तक एक चीज का निरीक्षण जरूर किया होगा कि आसमान में चांद रोज अलग अलग दिखाई देता है। उसका रूप हर दिन बदलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज हम जानेंगे इसके पीछे का कारण। आज हम सीखेंगे विविध चंद्रकलाएं, उन चंद्रकलाओं के पीछे का कारण और पृथ्वी की कलाएं। चांद का पृष्ठ काफी अंधकारमय है और उसकी परावर्तकता किसी फले या डामर जितनी ही है। फिर भी चांद इतना उज्जवल कैसे नजर आता है? इसका कारण भी काफी सरल है। चांद के पृष्ठ पे जो सूर्य की प्रखर किरणें आती है, वो किरणें चांद परावर्तित कर देता है और यही परावर्तित किरणें हमें नजर आती है और चांद अतिशय शुभ्र नजर आता है। अपने सौरमंडल में जितने भी गोलाकार पदार्थ है, उनकी एक बाजू जो कि सूर्य के सम्मुख है, वो उजली हुई नजर आती है और उसे हम दिन यानी कि डे कहते हैं, जबकि दूसरी बाजू जो कि सूर्य के सम्मुख नहीं है, वो अंधकारमय नजर आती है, जिसे हम रात यानी कि नाइट कहते हैं। क्योंकि चांद भी एक गोलाकार वस्तु है, इसके साथ भी कुछ यही स्थिति है। और क्योंकि चांद पृथ्वी भवतल परिक्रमा कर रहा है, उसकी ये उज्जवल बाजू देखने का नजरिया हर दिन बदलता है, जिसके कारण अगर पृथ्वी से देखा जाए तो चांद की विविध कलाएं नजर आती है। आइए इस बात को और गहराई में समझते हैं। जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में होती है, तो हमें चांद का उजला हुआ मुख संपूर्णपने नजर आता है। मगर आप सोच रहे होंगे कि अगर चांद पृथ्वी के पीछे है, तो क्या पृथ्वी की परछाई चांद पर नहीं आती? नहीं, पृथ्वी की सूर्य भवतल की कक्षा और चांद की पृथ्वी भवतल की कक्षा दोनों एक सतह में नहीं है, बल्कि चांद की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से किंचित झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी की परछाई चांद पर नहीं आती और हम चांद की उजली हुई बाजू संपूर्णपने देख पाते हैं। और क्योंकि हमें चांद की उजली हुई बाजू संपूर्णपने नजर आती है, हमें पूर्णिमा का चांद नजर आता है, यानी कि फुल मून नजर आता है। पर अगर यही चांद पृथ्वी के पीछे ना होते हुए अगर पृथ्वी के बाजू में हुआ, तो हमें चांद की आधी उज्जवल और आधी अंधकारमय बाजू नजर आती है। इसी को हम अर्धचंद्र कहते हैं। पर दोस्तों, अब अगर चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तो क्या हमें उसकी उज्जवल बाजू थोड़ी भी दिखाई देगी? नहीं, हमें बस उसकी अंधकारमय बाजू दिखाई देगी, यानी कि हमें चांद दिखाई नहीं देगा। तो देखा दोस्तों, यहाँ हमने सिर्फ चांद की उज्जवल बाजू देखने का नजरिया बदला और हमें चांद की भिन्न कलाएं नजर आई। चलो अब इसे और अच्छे से समझते हैं। चांद पृथ्वी के भवतल अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। यह परिक्रमा करने में उसे करीब एक महीना लगता है, बल्कि महीना यानी कि मास, इस शब्द का मतलब ही चांद से जुड़ा हुआ है। चांद को अपनी कक्षा में एक चक्कर काटने में जितना समय लगता है, उतने समय को एक मास यानी कि एक महीना, अ मंथ कहा जाता है। यह समय करीब 29.5 दिन का होता है। अमावस्या, न्यू मून। जैसे कि हमने देखा, जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तब हमें केवल उसकी अंधकारमय बाजू नजर आती है, जिससे कि हमें चांद आसमान में नजर नहीं आता।
अमावस्या की स्थिति में चांद अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे नजदीक होता है, जिसके कारण अगर पृथ्वी से देखा जाए तो चंद्रोदय सूर्योदय के साथ और चंद्रास्त सूर्यास्त के साथ होता है। वर्धमान चांद क्रेसेंट मून। क्योंकि चांद पृथ्वी के भीतर परिक्रमा कर रहा है, अमावस्या के कुछ दिनों बाद देखा जाए तो चांद पूरब की तरफ चला जाता है। अब हमें चांद की उज्जवल बाजू का थोड़ा सा हिस्सा नजर आने लगता है। इसी को हम वर्धमान चांद यानी कि क्रेसेंट मून कहते हैं। अब क्योंकि चांद थोड़ा सा पूरब की तरफ आ चुका है, हमें चंद्रोदय सूर्योदय के कुछ घंटों बाद और चंद्रास्त सूर्यास्त के कुछ घंटों बाद नजर आता है। दोस्तों, अगर आप अमावस्या के कुछ दिनों बाद आसमान में देखोगे तो आपको सूर्यास्त के बाद क्षितिज पर अस्त होता हुआ खूबसूरत सा वर्धमान चांद नजर आएगा। और दोस्तों, ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। अर्धचंद्र फर्स्ट क्वार्टर मून। अमावस्या के करीब 7 दिन बाद देखा जाए तो चांद पृथ्वी के बगल में आ चुका होता है। अब हमें चांद का आधा अंधकारमय और आधा उज्जवल हिस्सा नजर आता है। इसी को हम अर्धचंद्र यानी कि फर्स्ट क्वार्टर मून कहते हैं। कुबड़ा चांद गिबस मून। अब अर्धचंद्र के कुछ दिनों बाद देखा जाए तो चांद सूर्य से और भी पीछे आ चुका होता है। अब हम चांद के उज्जवल पृष्ठ का काफी हिस्सा देख पाते हैं। इसी को हम कुबड़ा चांद यानी कि गिबस मून कहते हैं। अभी जबकि चांद सूर्य से काफी पीछे तक आ चुका है, हमें चंद्रोदय सूर्यास्त के कुछ घंटे पहले और चंद्रास्त सूर्योदय के कुछ घंटे पहले नजर आता है। पूर्णिमा फुल मून। अमावस्या के करीब 2 हफ्ते बाद यानी कि अर्धचंद्र के करीब 1 हफ्ते बाद अगर देखा जाए तो पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ चुकी होती है। इसका मतलब हम चांद की उजली हुई संपूर्ण बाजू देख पाते हैं। इसी को हम पूर्णिमा यानी कि फुल मून कहते हैं। अब क्योंकि चांद सूर्य के विरुद्ध दिशा में आ चुका है, हमें चंद्रोदय सूर्यास्त के समय और चंद्रास्त सूर्योदय के समय नजर आता है। इसका मतलब चांद पूरी रात आसमान में नजर आता है। अब तक चांद पृथ्वी के भौतल अपनी आधी कक्षा पार कर चुका होता है। पूर्णिमा के बाद चांद और सूरज के बीच का अंतर वापस घटने लगता है। उसकी सारी कलाएं वापस से नजर आती है, बल्कि इस बार उल्टे क्रम में। यानी कि पूर्णिमा के कुछ दिनों बाद अगर देखा जाए तो हमें वापस से कुबड़ा चांद नजर आता है। इस बार चंद्रोदय सूर्यास्त के कुछ घंटों बाद और चंद्रास्त सूर्योदय के कुछ घंटों बाद नजर आता है। अगर आप पूर्णिमा के कुछ दिनों बाद आसमान में सूर्योदय के बाद देखोगे तो आपको क्षितिज पे अस्त होता हुआ खूबसूरत सा कुबड़ा चांद नजर आएगा। ये दृश्य भी बहुत खूबसूरत होता है। पूर्णिमा के करीब 1 हफ्ते बाद चांद वापस से पृथ्वी के बगल में आ चुका होता है। अब तक चांद अपनी कक्षा का 3/4 हिस्सा पार कर चुका होता है। वापस से अर्धचंद्र नजर आता है। हम इसे थर्ड क्वार्टर मून भी कहते हैं। अर्धचंद्र के कुछ दिनों बाद वापस से वर्धमान चांद नजर आता है और अमावस्या के करीब 1 महीने बाद चांद वापस अपनी जगह पे आ चुका होता है, यानी कि अपनी कक्षा का 1 चक्कर काट चुका होता है और हमें वापस से अमावस्या नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी चांद की सारी कलाएं। क्या आपको पता है चांद की तरह ही पृथ्वी की भी कलाएं होती है? पृथ्वी की कलाएं फेजेस ऑफ अर्थ। जिस तरह चांद से पृथ्वी की अलग अलग कलाएं नजर आती है, उसी तरह अगर चांद पे जाके देखा जाए तो पृथ्वी की भी भिन्न कलाएं नजर आती है। अमावस्या के दिन यानी कि
जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, पृथ्वी से चांद की केवल अंधकारमय बाजू नजर आती है। लेकिन यही अगर हम चांद पे जाके देखें, तो पृथ्वी का पूरा उजला हुआ पृष्ठ नजर आता है। यानी कि अगर चांद से देखा जाए तो पृथ्वी की पूर्णिमा नजर आती है। और क्योंकि पृथ्वी की परावर्तकता चांद से कई गुना ज्यादा है, पृथ्वी करीब 50 गुना ज्यादा शुभ्र नजर आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी वर्धमान चांद को ध्यान से देखा है? इसकी अंधकारमय बाजू संपूर्णपने अंधकारमय नजर नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य की प्रखर किरणें पृथ्वी पर आती है, तब पृथ्वी भी इन किरणों को परावर्तित कर लेती है और ये किरणें चांद के पृष्ठ पर जाके गिरती है, जिसके कारण चांद संपूर्णपने अंधकारमय नजर नहीं आता। और वर्धमान चांद का अंधकारमय भाग भी क्वचित उजला हुआ नजर आता है। तो देखा दोस्तों, चांद कितना खूबसूरत है। वो रोज एक जैसा होते हुए भी रोज अलग नजर आता है, खुद की रोशनी न होते हुए भी रोशन नजर आता है। तो आज हमने देखा कि कैसे चांद अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हुए अपनी विविध कलाएं दिखा के जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।